आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, आम लोग जानते हैं कि यह हत्या थी, लेकिन सिस्टम आज भी कंफ्यूज है कि वो हत्या या आत्महत्या। शुरुआती तौर पर आप देखें तो क्राइम स्पॉट को सील नहीं किया गया। इसके अलावा किसी को भी फंदे से झूलने के लिए जो शरीर का निचला हिस्सा है उसको फ्री होना चाहिए, मतलब कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो नीचे बेड भी पड़ा हुआ था, किसी ने उनको झूलते हुए नहीं देखा। उसके बाद तमाम बातें भी सामने आई, हमने बहुत चर्चा किया हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा गले में भी सेप नहीं था, समय समय पर खुलासे भी होते रहे, लेकिन आज तक सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया। बात है कूपर हॉस्पिटल की, क्योंकि रूप कुमार शाह ने उस मामले को लेकर आम खुलासा किया है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या थी। डॉक्टर्स भी बात कर रहे थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी टाइम मेंशन नहीं था, तो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड था। इसके अलावा बिहार पुलिस जांच करने गई तो उन्हें रोका गया। जो लोग इस मामले के ऊपर मुखर होकर बोल रहे थे उन्हें तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या थी, और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि आज तक स्टेटस रिपोर्ट भी ना आना, कितना गंभीर मामला है। 2 साल से भी ज्यादा हो गए लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अब सीबीआई जांच कर रही है, क्या कर रही है वो तो खैर सीबीआई जाने, लेकिन सीबीआई जांच के बाद क्या परिणाम आएंगे कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो जानता है, क्योंकि कई मामले हमने देखे हैं जो हाई प्रोफाइल केस हो, सीबीआई तो पहले डिले करती है, बाद में खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों का नाम डाल देती है और कोर्ट में वो प्रूफ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो भी छूट जाते हैं। अभी इस मामले में रूप कुमार शाह ने जो खुलासा किया कि उनकी हत्या हुई थी, मैं एक दो तीन चैनल को मैंने दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है, और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था, उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा, तो क्या मैं हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए। हाँ तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया या देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था, जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में हाथ में मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको को कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता, वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के मापित था। तो इससे पहले भी कूपर के एक एम्प्लॉय ने ऐसा ही खुलासा किया था कि वो आत्महत्या नहीं हत्या थी, उनके गले पर सेलो टेप लगा हुआ था, गर्दन में नीडल चुभाए गए थे, पैर में नीडल चुभाए गए थे, शरीर के ऊपर चोट था। तो ये बताने के लिए पहले से काफी है कि वो सुनियोजित हत्या था। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सवाल उठे,
कि वो जाकर 45 मिनट रही थी, बीच में वो 5 या 7 मिनट के लिए मर्चरी रूम में भी गई थी और चेहरा देखकर बोला था सॉरी बाबू। अब सॉरी बाबू कहाँ से आता है, क्यों सॉरी बाबू, क्या ऐसा था? वो तो पुरानी फिल्में आपने देखी ही होगी, किस तरह के मामले में यही होता है। अगर कोई किसी को सॉरी बोल रहा है, यानी कि वो भी गुनहगार है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर और भी आरोप लगे, जेल भी गई, लेकिन क्या हुआ, सब खानापूर्ति के लिए हुआ। अब सीबीआई इस मामले में डिले कर रही है, सीबीआई डिले करेगी, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे आज की महाराष्ट्र की सरकार या आज की केंद्र की सरकार, तब की सरकार चाहती नहीं थी। अब रूप कुमार शाह के सुरक्षा को लेकर श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो चिंतित है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गुहार लगाई है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सुरक्षा उनको देंगे? पता नहीं, दे दे तो 7 अजूबा तो इस दुनिया में है ही, 8वां अजूबा हो जाएगा। चलिए, कहीं ज्यादा मामला तूल पकड़ ले तो हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया जाए, लेकिन अब तक सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल क्यों नहीं किया? क्या सरकार की कोई भूमिका है या नहीं है? सरकार चाहे तो ये कर सकती है। उनके चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जब सरकार थी तो मंत्री रहे, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी के परिवार के सदस्य को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आम लोगों के साथ भला क्या होगा? जबकि बीजेपी के लोग इस मामले को उठाए, आज भी उठा रहे हैं। नीतीश राणे ने एयू का जिक्र किया था कि उनकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अगर एसआईटी जांच करानी है, पहले से सीबीआई जांच हो रही है, बहुत से ऐसे मामले थे जिसको लेकर एजेंसियां काम कर रही थी, वो क्यों निष्क्रिय हो गई? क्या सरकार की कोई जवाबदेही है? रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि हर चीज संदेह के घेरे में रहा, चाहे वो एम्बुलेंस हो, क्राइम स्पॉट हो, उनकी डेथ बॉडी हो, या उनसे जुड़े लोगों का रिएक्शंस रहा हो। संदीप सिंह की बात आती है, सिद्धार्थ पिठानी की बात आती है, रिया चक्रवर्ती की बात आती है, ये लोग मीडिया के सामने घबरा रहे थे, मीडिया के सामने कोई रो रहा था, उस तरह का नहीं, दूसरे तरीके से, कि जैसे कि ये अपराधी हो, वो उस मामले के बारे में जानता हो, लेकिन सीबीआई आज तक कुछ नहीं उगलवा पाई, तो ये तो गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर सीबीआई ने उनसे उगलवा लिया तो देश की जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि उस स्टार के लिए आज भी ट्विटर पर ट्रेंड होते हैं। आज बॉलीवुड इतनी दिवालिया स्थिति में चला गया, उसके पीछे सुशांत सिंह राजपूत की मौत है, लोगों को घृणा हो गई उस इंडस्ट्री से, और ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो उसे ढकने का इतना प्रयास नहीं किया गया होता। दिशा सलियन के मामले में आपको पता है, सीबीआई ने उसको आत्महत्या बता दिया, लेकिन उस समय में कितने लोगों की हत्या हुई थी, वो एक पूरा नेटवर्क था, उसका भी तो पर्दाफाश होना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात की है कि सिर्फ माहौल बनकर आ जाता है। चलिए, आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।